subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. Hi my lovely stars and angels, welcome to Adda 24/7 government job in your pocket. कैसे हो friends आप सभी? सुबह के 5 बज गए हैं 2 अक्टूबर को. मैं आपके सामने आ गया हूँ क्या peculiar idioms और phrases को आपके सामने लेके. तो guys, आज के इस English में आप लोगों को मैं कुछ ऐसे words सिखाऊंगा जो कि आप लोगों ने पहले नहीं सुने होंगे या आप लोगों के लिए विचित्र हैं. तो guys, आज का हमारा पहला word है a batman. बैटमैन आपने कॉमिक्स में सुना होगा, आपने सुना होगा यार बैटमैन तो ऐसा होता है जो यू कैन से कोई कॉमिकल हीरो होता है. ऐसा कुछ नहीं होता. बैटमैन का जो इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग होता है वो होता है अ पर्सनल सर्वेंट ऑफ अ डिफेंस ऑफिसर. जो डिफेंस ऑफिसर होते हैं जब वो एक हायर रैंक पे पहुंच जाते हैं या हायर रैंक पे होते हैं तो उनके लिए एक पर्सनल सर्वेंट होता है जिसको वो क्या कहते हैं, बैटमैन बोलते हैं. आई होप आप लोगों को ये थोड़ा विचित्र लगेगा लेकिन यही इसका मीनिंग है. तो वेयर इज माई बैटमैन, किसने बोला? एक आर्मी ऑफिसर ने दूसरे को बोला. कंप्यूटर महोदय जरा एक बार पिक्चर से बच्चों को दिखाइए ताकि उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि बैटमैन का मीनिंग क्या होता है. कभी भी अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो आप इसको गलत नहीं करेंगे और आप इसको अपनी वोकैबुलरी में आज ऐड कर लेंगे. ये एक और वोकैबुलरी बुलेट्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दिया है. तो बैटमैन का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सनल सर्वेंट ऑफ अ डिफेंस ऑफिसर. अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इसी वर्ड को मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर लिखना है और जल्दी से एक लाइक ठोक देना है. आज का हमारा दूसरा वर्ड है आपके सामने, दूसरा वर्ड है गाइस जिसको बोलते हैं क्या, अ ब्लू ब्लड मैन. अब आपने ब्लड का लहू के दो रंग आपने देखा होगा है, आपने तो लाल ही देखा होगा. लहू का अगर नीला रंग हो तो क्या होता है? ब्लू ब्लड मैन जो होता है एक idiom है, न जाने कितनी बार आपने देखा होगा ये आपके एग्जाम में आया हुआ है. और ब्लू ब्लड मैन का मीनिंग होता है जो आदमी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, जो आदमी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता हो उसको क्या बोलते हैं, ही इज अ ब्लू ब्लडेड गाय. अ पर्सन फ्रॉम अ नोबल फैमिली उसको क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लडेड मैन. तो कंप्यूटर महोदय जल्दी से जरा एक बार बच्चों को आंसर और पिक्चर दिखाइए. गांधी जी, चूंकि आज 2 अक्टूबर है तो अपने पूजनीय हमारे जो गांधी जी हैं, जो महान आत्मा है, उनका आज बर्थडे है तो उसको बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे. उसके लिए आज हमारा एक नेशनल हॉलीडे भी है जिसमें मेरे लेक्चर्स हैं जो आज आपको 4 बजे वो रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा लेकिन उसमें क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे हैं तो प्लीज़ आप उसको देखना ना भूलिए 4 PM पे SSC अड्डा पे. तो गांधी जी वॉज अनडाउटेडली अ ब्लू ब्लडेड मैन, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो. किसी भी इंसान के लिए अगर आप बताना चाहते हो जो कोई नोबल फैमिली से बिलोंग करता हो तो आप उसको बोल सकते हो यार यू आर ए ब्लू ब्लडेड गाय. ओके तो गाइज आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिए. शेयर करना यार बिल्कुल भी मत भूला करो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसको देख रहे हो तो आप जैसे जो अच्छे बच्चे इंडिया में हैं वो भी सब बच्चों की तरफ ये मेरा मैसेज जाए. ये इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है ये आप लोग इसको अच्छा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. जय हिंद.